अब हम बात करेंगे असेंडिंग ट्रैक्स की। तो असेंडिंग ट्रैक्स को हम किस तरह याद रखें कि हमें वो भूले ना। अब वो इस तरह के पहले हम याद करते हैं कि हमें कौन कौन से सेंसेस को लेके जाना है। पहले यहाँ पर सेंसेस यानी पेन और टेम्परेचर, जो काफ़ी इंटेंस सेंसेशंस होती हैं, उनके लिए अलग ट्रैक्स है हमारे पास। क्रूड टच और प्रेशर, जो कॉमन हमें लाइफ में हमेशा होते थे, मैंने बॉल पेन पकड़ी है ना, तो यहाँ क्रूड टच भी है और प्रेशर भी है। प्रेशर इस तरह देखे ना, मेरी जो पेंसिल है ये मेरे फिंगर टिप से प्रेशर अप्लाई कर रही है और टच हो रहा है। तो ये क्रूड टच और प्रेशर, इसके लिए हमारे पास अलग से नर्व ट्रैक्स हैं, जिसके मैनिपुलेटिव टच, वाइब्रेशन और कॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसेशन जो हैं। डिस्क्रिमिनेटिव टच मतलब मैं दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे डिस्क्रिमिनेट करता हूँ। अगर मुझे दो जगह पर टच किया जा रहा है तो क्या मैं उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ, क्या मैं परसीव कर सकता हूँ कि मुझे दो जगह पर टच किया जा रहा है इस तरह। और वाइब्रेशन जितनी भी मतलब अर्थक्वेक आए कोई, तो मैं उसको फील करूँगा या मुझे कोई झटका दे वो। और इस तरह कॉन्शियस जो मसल जॉइंट हमारे पास सेंसेशन हैं कि मैं मसल्स को अपने कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा हूँ और कॉन्शियसली मैं जो जॉइंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है। ये इनके लिए अलग से हमारे पास पाथवेज हैं। स्पाइनल विजुअल वो वाले हमारे पास ना सेंसेशंस या रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हम लोग देखने के बाद परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर मेरे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी जिससे मैं डरता हूँ और मैं एकदम से उसे देखूँ, तो अपना हाथ फ़ौरन पीछे कर लूँगा, या मैं अगर गर्म चीज़ को हाथ लगा तो मैं फ़ौरन अपना हाथ विड्रॉ कर लूँगा। इस तरह के जो मतलब गर्म वाला तो नहीं खैर, लेकिन जो मैं देखूंगा ना और उससे हाथ विड्रॉ करूँ या उससे कोई एक्शन करूँ, मतलब एक बॉल मेरी तरफ आए तो मैं अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाऊँ या फिर उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाऊँ, तो ये स्पाइनल विजुअल रिफ्लेक्स है। ये कौन सेंसेशन है? मसल जॉइंट सेंसेशन जो सेरिबेलम तक जाती हैं। सेरिबेलम हमारा इन्वॉल्व है बैलेंस के अंदर। तो जब मुझे पता होगा कि मेरे मसल और मेरे जॉइंट्स इस वक्त किस पोजीशन में है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं अपने आप को बैलेंस्ड रखूं। तो जो सेरिबेलम को ये वाली सेंसेशन जाती हैं, इसके लिए अलग से हमारे पास ट्रैक्स हैं। प्रोप्रियोसेप्शन भी वाइब्रेटरी सेंसेशन ही होती हैं, लेकिन ये जॉइंट के अंदर होती हैं। जो हमें वाइब्रेशन जो है ना किसी ज़मीन के अंदर हो रही है अगर, तो वो फील करने में मदद करती है। क्यूटेनियस जो होंगी हमारे पास, क्यूटेनियस कोई भी सेंसेशन हो सकती है। फिर हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, कि कितना इस वक्त जो इंडिविजुअल है वो कितनी कॉन्शियसनेस के अंदर है, कितना कॉन्शियस है, मतलब कहीं बेहोश तो नहीं है या ड्राउजी सा तो नहीं है या पूरी तरह जागा हुआ है, इस तरह के सेंसेशंस। तो ये हमारे पास सेंसेशन है साथ, इन्हीं के लिए हम लोग कर लेंगे अपने नर्व ट्रैक्स। तो हमारा पहला हमने बात की पेन और टेम्परेचर, उसके लिए हमारे पास जो है ना उसका नाम है लेटरल स्पाइनोथेलमिक। ये वाला लेटरल स्पाइनोथेलमिक, अब ये ऐसे है कि जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है ना, वहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास कहाँ से एंटर होगा? पोस्टीरियर ग्रे कॉलम से। मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर ग्रे कॉलम जो है ना वो एंट्री पॉइंट होता है हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स का, और इंटीरियर ग्रे कॉलम हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है फॉर द डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो यहाँ से एंट्री हुआ पोस्टीरियर ग्रे मैटर, और इसके बाद फॉरन बना देगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ग्रे मैटर के अंदर ही। लेकिन यहाँ पे काम होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना, उसने ये साइनैप्स करने से पहले पहले एक ऊपर ट्रैक देगा, एक नीचे को ट्रैक देगा, या ऊपर को एक फाइबर दे देगा, एक नीचे को फाइबर दे देगा पोस्टीरियर ग्रे मैटर में ही। ये वाले फाइबर जो होंगे ना, ये जो ऊपर वाले स्पाइनल सेगमेंट्स होंगे वो, और नीचे वाले स्पाइनल सेगमेंट्स होंगे वो, उनसे ना कनेक्ट कर देंगे और वहाँ पे एक पाथवे बन जाएगा। ये पाथवे जो होता है हमारे पास रिफ्लेक्स पाथवेज होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क्स होती हैं जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस करवाती हैं। ये शॉर्टेस्ट पाथवेज होते हैं। इन ट्रैक्स को हम नाम दे देते हैं पोस्टोलेटरल ट्रैक्स ऑफ लिसावर, पोस्ट्रो लेटरल ट्रैक्स ऑफ लिसावर। ये वो ट्रैक्स हैं जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स बनाएंगे असेंडिंग ट्रैक्स से, विदाउट साइनैप्सिंग विद एनीवन एल्स। ठीक है, ये डायरेक्टली ऊपर नीचे चले जाते हैं। अच्छा, अब पोस्टीरियर ग्रे मैटर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पर साइनैप्स करके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाएगा? वो होगा सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, वो वाली सेल बॉडी जो हमारे पास बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पड़ी है ना ग्रे मैटर के, वो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा थी। मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्रे मैटर बनाऊँ ना, ये देखें, ये वाला ये ग्रे मैटर बन गया हमारे पास। ठीक है ना, ये ग्रे मैटर है, तो यहाँ पड़ी है ना, वो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा है। तो
तो उससे आगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बना। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जब हमारे पास आगे आएगा ना, तो वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा, मतलब अगर हमने इस साइड पे एंट्री पॉइंट देखा है ना, तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ना वो यहाँ से इस तरफ चला जाएगा और यहाँ से बाहर निकल के एंटीरियर कॉलम, वाइट जो वाइट कॉलम एंटीरियर, उसमें मूव करना शुरू कर देगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा ग्रे मैटर से बाहर और कॉन्ट्रालेटरल साइड के वाइट कॉलम में मूव करेगा। लेकिन बाहर जाने का रास्ता क्या होगा इसके पास? वो ये होगा कि हमारे पास बाहर पड़ी होती है सेंट्रल केनाल, सॉरी अंदर पड़ी होती है सेंट्रल केनाल, जो ग्रे का मिशन है ना, इसके अंदर पड़ी है सेंट्रल केनाल। तो इसने सेंट्रल केनाल को आगे से क्रॉस करना है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ने, और फिर बाहर निकलना है, पीछे से नहीं जाता, आगे से एंटीरियरली क्रॉस करेगा और फिर बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास असेंड करेगा ऊपर को। जब असेंड करता है तो असेंडिंग ट्रैक बन गया, तो वाइट कॉलम के अंदर जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर जा रहा है ना, वो लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट है हमारे पास, सही है। चलें अब मैं बताया कि स्पाइनल कॉर्ड नीचे पड़ी है, मतलब सैक्रल रीजन तक पड़ी है स्पाइनल कॉर्ड। तो सैक्रल रीजन से स्पाइनल कॉर्ड के जो ट्रैक्स थे ना, ये वाले ऊपर गए इस तरह, ये जा रहे हैं लेट, ये पड़े हैं लेटरली हमारे पास। तो जो लंबर के इसमें ऐड होने हैं ना फाइबर्स, ताकि एक बंडल बने, जो लंबर स्पाइनल सेगमेंट से ऐड होने हैं इसमें, वो मीडियली ऐड होंगे। और फिर जो सर्विकल और थोरेसिक के ऐड होंगे, वो भी मीडियली ऐड होंगे। तो सबसे लेटरल कौन सा पड़ा हुआ है हमारे पास? सैक्रल। और सबसे मिडिल कौन से पड़े हैं हमारे पास? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक के सर्विकल। सभी नर्व ट्रैक्स में ऐसे होता है, सब ने इसी तरह बंडल बना के ऊपर जाना होता है, मतलब ये ट्रैक इसी तरह बनते हैं सारे। तो ये बने ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हमें पता है कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है, तो इसने एंट्री किस में होना है? थैलमस में। थैलमस में भी कहाँ पे? जो हमारे पास था ना पोस्टर लेटरल न्यूक्लियस था इसका, वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है इसका हमारे पास थैलमस का, ये उसमें एंटर कर जाएगा जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन था। और वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे और हमारे पास चले जाएंगे कॉर्टेक्स में। इस तरह हमारे पास हमारी जो इम्पल्स थी वो ट्रांसमिट हो जाएगी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ये जहाँ भी इसकी रेस्टिंग लोकेशन थी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया पोस्टीरियर ग्रे मैटर के सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा में, उसने सिनेप्स किया। इस सिनेप्स वाले उसने दो असेंडिंग और मतलब ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले फाइबर्स दिए, जो कि लिसावर्स ट्रैक्स थे। उसके बाद सिनेप्स हुआ तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बना, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर असेंड किया और असेंडिंग ट्रैक्स बन गए, जो कि लेटरल टू मीडियल इनकी एग्रीगेशन होती गई ये बंडल्स बनने में। उसके बाद थैलेमस में एंटर हुआ, थैलेमस में जाके जो उसका न्यूक्लियस था उसके साथ उसने सिनेप्स किया, और सिनेप्स करने के बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो थे वो बाहर निकल के कॉर्टेक्स में चले गए। ये हमारे पास थे लेटरल स्पाइनल थैलेमिक। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रूड टच और प्रेशर कौन करेगा। क्रूड टच और प्रेशर जो है ना, वो इस तरह है कि जो एंटीरियर हमारे पास स्पाइनल थैलेमिक है ना, वो ये करेंगे। एंटीरियर किस तरह के? वो उनकी लोकेशन वाइट कॉलम में एंटीरियर पड़ी होती है इससे, ये लेटरली पड़े होंगे वाइट कॉलम में अगर, तो ये एंटीरियर पड़े हैं। तो ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है, सारा का सारा सेम पाथवे है। उसी तरह उन्होंने पोस्टीरियर ग्रे मैटर में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आएंगे हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन से, और उस तरह वो आगे जाके पोस्टीरियर ग्रे मैटर के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स देंगे। उसके बाद साइनैप्स करेंगे सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के साथ, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे पास फिर उस तरह बंडल्स बनाएंगे, कैसे? सैक्रल रीजन से ऊपर जा रहे हैं, उनके साथ साथ पहले ऐड हुआ लंबर, फिर ऐड हुआ हमारे पास थोरैसिक, फिर ऐड हुए सर्विकल, एक बंडल बन गया हमारे पास जिसको हमने कह दिया एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये पहुंचे हमारे पास आगे थैलेमस में, वहाँ पर उन्होंने साइनैप्स किया वेंट्रोलेटरल के साथ। उनके साथ साइनैप्स करने के बाद थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकला, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स ने कॉर्टेक्स तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। ये हमारे पास थे जी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स जो थे। अब जो इसके बारे में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक के बारे में बात याद रखनी है ना, वो ये है कि कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद इसके आगे भी ना काफ़ी सारे कनेक्शंस होते हैं। पहले तो ये होता है कि इसने सबसे पहले रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होगी ना, उसको स्टिमुलेट करना, ताकि पूरा पूरा ब्रेन जो है ना हमारा, वो एक्टिवेट हो जाए एक दफ़ा। तो इसने लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ने रेटिकुलर फॉर्मेशन को, रेटिकुलर से जो हमारे पास ग्रे मैटर पड़ा था ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में, उसको उसने एक्टिवेट कर दिया। फिर इसने जाना है हमारे पास
एक तो हमने बात की ना कि यहाँ पे जाएगा, एक मिनट रुकें, चले इसने फिर उसके बाद जाना है हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस के अलावा इसने जाना है हमारे पास इंसुलर गायरस में, जो इंसुला का गायरस होगा। इंसुला का पता है ना आपको, टेम्पोरल लोब के लिप्स को हटाएं तो उनके अंदर एक कॉर्टेक्स की एक एक पार्ट होता है जिसको हम इंसुला कहते हैं, ये इंसुलर गायरस वो है। और फिर हमारे पास जाएगा सिंगुलेट गायरस में, जो कॉर्पस कैलोसम में मीडियल तरफ देखें तो कॉर्पस कैलोसम के ऊपर एक गायरस पड़ा होता है, वहाँ जाएगा। अब हमने बात की है पेन कर रहा है, पेन को जो हम इंटरप्रेट करते हैं ना उसको हम कहते हैं नोसिसेप्शन, NOCICEPTION, नोसिसेप्शन। तो ये जो है ना, ये नोसिसेप्शन के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पोस्ट सेंट्रल गायरस को ये वाले फाइबर्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, उन्होंने पास्ट की पेन से उसको इंटरप्रेट कर लेना है। पोस्ट सेंट्रल तो पी का, पोस्ट का ओ निकाल के ए लगा दे, तो पास्ट पेन जो थी ना उसको जो अब पेन हुई है उससे रिलेट करना है। ये हमारे पास थे पोस्ट सेंट्रल गायरस के ऊपर जो लेटरल स्पाइनथैलमिक जा रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास आया था सिंगुलेट गायरस या जो हमारे पास इंसुलर गायरस। जो सिंगुलेट गायरस है ना, उसने ये करना है कि उसने इमोशनली इसको इंटरप्रेट करना है कि ये पेन इमोशनली किस तरह इंडिविजुअल के साथ रिलेटेड है। फिर जो हमारे पास इंसुलर गायरस है, क्योंकि ये देखें जो इंसुला है वो अंदर पड़ा है ना, टेम्पोरल लोब के भी अंदर पड़ा है, तो इसने जो विजरल ऑर्गन्स है ना जो उनसे पेन ओरिजिनेट हो रही है, इसने उसको सेंस करना है। तो लेटरल स्पाइनथैलेमिक कॉर्टेक्स तक तो गया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने रेटिकुलर फॉर्मेशन को सिमुलेट किया। पोस्ट सेंट्रल गायरस, इंसुला और सिंगुलेट गायरस, इसको उसने सिमुलेट किया। पोस्ट सेंट्रल ने पास्ट एक्सपीरियंस की पेन को सामने लेकर आई, इंसुला जो थी वो विजरल ऑर्गन्स जो अंदर चीज़ें पड़ी हैं बॉडी के, इंसुला अंदर है बॉडी के ऑर्गन्स भी अंदर हैं, उसने उन दोनों को मतलब आपसे रिलेट कर सकते हैं इसको। और सिंगुलेट गायरस, उसने इमोशनल जो हमारी रिलेशन है स्पेन के साथ उसको किया। अब हम बात करने लगे हैं जी के जो बाकी पेन्स हैं वो कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं।